अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल के पक्ष से इंडिया का लाखों लाखों किसान भाइयों का मेरा तरफ से स्वागत है। आज हमने वीडियो बनाने अभी बना रहा हूँ कश्मीरी रेड एप्पल बेर प्लांट की। अभी वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वैरायटी है एप्पल बेर की। और एप्पल बेर की सर अभी बहुत सारा वैरायटी है मार्केट पे, जैसे कि कश्मीरी रेड एप्पल बेर प्लांट है, बाल सुंदरी रेड एप्पल बेर प्लांट है, भारत सुंदरी रेड एप्पल बेर प्लांट है, सीडलेस रेड एप्पल बेर प्लांट है, और जो ग्रीन कलर होती है ग्रीन एप्पल बेर है। इसके सबसे बढ़िया वैरायटी में पड़ती है मेरे हिसाब से लगती है कश्मीरी रेड एप्पल बेर है। इसका सबसे मज़ेदार बात यह होती है फर्स्ट टाइम से फ्रूटिंग देना चालू होती है। ये आपका जो पेड़ देख रहा है ये 8 महीने इसका उम्र है। 8 महीने में कितना अच्छा फ्रूटिंग अभी लगा हुआ है आप देख सकती हो, पूरा गुच्छे भर के फ्रूट आया है। जैसे कि अंगूर जो होती है थोल में बहुत सारा अंगूर रहती है, तो इसमें से एक हिसाब से अंगूर के जैसा ही हुआ है। और इसका साइजिंग अभी देख रहे हो छोटा छोटा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बड़ा फ्रूट नहीं हुआ है क्योंकि इसका मैच्योर अभी नहीं हुआ है। जब मैच्योर हो जाएगा तब नॉर्मली 70 ग्राम से 80 ग्राम तक हो जाती है। कोई कोई प्लांट से कोई कोई फ्रूट 100 ग्राम के आसपास भी रह जाती है। और इसका जो कलर रेड कलर एक फेमस कलर की में पड़ती है, और कश्मीरी रेड एप्पल बेर की कलर टूटता नहीं है, ये रहती है और बहुत ही अच्छा देखने में होती है। और कश्मीरी रेड एप्पल बेर खाने में भी बहुत ही मीठा होती है, और बहुत ही मीठा होती है, और इसका भाव भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मिलती है। बहुत सारा किसान भाइयों ने इस साल में हमारा पास से प्लांट लेके खेती बाड़ी किया है, तो उसमें से एक किसान के पास हमने आया है, उसका खेतों की वीडियो अब हम शूट कर रहे हैं, जो कि अलाउद्दीन नर्सरी से पेड़ लिया था लेके प्लांटेशन किया था। तो उस बंदा ने मेरे पास फ़ोन करके बोला है, जलाउद्दीन भैया हमारा एप्पल बेर प्लांट जो आपके पास से लिया था कश्मीरी एप्पल बेर, उसका एक वीडियो तुम आके बनाओ, बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आया है, तो इसलिए इस हिसाब से हमने आया है उसके पास आके ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो पूरा अंगूर जैसा है, अंगूर जैसा फ्रूटिंग अभी लगा हुआ है। और इसमें से एप्पल बेर प्लांट की सबसे मज़ेदार बात यह होती है इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं होती है, खर्चा बहुत कम लगती है, खर्चा कम लगती है, इनकम ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि इसका खाद वगैरह ज़्यादा नहीं लगती है, लगती है खाद वगैरह, मैं नहीं बोलूँगी जिसका ऊपर खाद वगैरह नहीं लगती है, लगती है लेकिन कम लगती है। इसका माकड़ की दवाई भी ज़्यादा नहीं देना पड़ती है, वह बहुत ही कम होती है, माकड़ लगती है इसके ऊपर। और इसका सबसे बढ़िया हैसियत है ये ऑल ओवर इंडिया पे आपका जो कोई भी राज्य हो, गुजरात आंध्र तमिलनाडु तेलुगु जैसे राज्य हो ना, ये सब मिट्टी पे सेटिंग होती है। जैसे कि पत्थर मिट्टी हो यानी बाली मिट्टी हो, जैसे मिट्टी हो, इसका मिट्टी का कोई मायने नहीं रखते, जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर ये सेटिंग होती है। इसका वेदर का कोई बात नहीं होती, जैसे कि इंडिया पे बहुत सारा वेदर मैचिंग होती है चलती है, कोई कई जगह ठंड ज़्यादा रहती है, कोई कई जगह गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कई कई जगह बारिश ज़्यादा होती है, तो इसमें से कोई दिक्कत की बात एक भी नहीं है। जो आपका ठंड ज़्यादा हो इसलिए फ्रूट नहीं होगा, आपका गर्मी ज़्यादा होते है इसलिए फ्रूट नहीं होता होगा, आपका वर्षा ज़्यादा बारिश ज़्यादा होती है इसलिए फ्रूट नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका कोई मायने नहीं रखते, इसका काम है प्लांट बैठाओ, प्लांट तैयार हो गया फ्रूटिंग लो, इसका ऐसी चलती है। ये एक बार बैठा दिया तो 5 साल तक ये चलती है। हर साल में जब फ्रूटिंग ख़त्म होती है, उस ख़त्म होने के बाद पूरा गाछ से पेड़ काट के फेंकना पड़ती है। जब पेड़ पूरा काट दिया है, थोड़ा सा पेड़ बचा हुआ रख दो, रख के वहाँ से नया ब्रांच लॉन्च करेगा, नया ब्रांच होके अगले साल के लिए आपका फ्रूटिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि जो एप्पल बेर है, एप्पल बेर का हर साल में इसका डाली काटना पड़ती है, नहीं काटोगे तो आपका फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आपका ये जो 1 एकड़ में आपका लगभग बैठाना होगा 400 प्लांट लगती है 1 एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ में 400 प्लांट लगती है। और इस प्लांट बैठा के जैसे कि बम्बू के लाठी दे के इसको देना पड़ती है। और जब प्लांटेशन इसका करना होती है उस टाइम क्या करना होगा, आपका कोई थोड़ी खाद वगैरह लेके पास 4-5 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा, गड्ढा खोद के जैसे कि खाद वगैरह देना होगा, देके वहाँ पर इसको बैठाना होगा।
बैठा के थोड़ा सा पानी का जो पाइप रहती है पाइप देके थोड़ा सा पानी भी देना होगा। और जो कश्मीरी रेड एप्पल बेरी की जो गाइडिंग होती है, जैसे कैसे कैसे करने आपका प्लांट बैठाना होगा, आपका फ्रूटिंग कैसे आना पड़ेगा, कैसे आपका आना चाहिए, वो जो गाइडिंग रहती है, कैसे आपका गद्दा खोद के पौधे बैठाना होगा, मतलब आपका कब कब पानी देना पड़ेगा, खाद वगैरह कैसे देना पड़ेगा, आपका माकड़ कौन सी वैरायटी का तेल देना पड़ेगा, वो सब अलाउद्दीन नर्सरी से आपको गाइडिंग दे देंगे। क्योंकि उसके बारे में आप अलाउद्दीन के पास ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वो पूछ जब आप अपने फ़ोन करना का उसके पास आप अगर अपने फ़ोन भी किया तो आप ज़रूर आपको बोल देंगे, उसमें से कोई बात की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अपने एप्पल बेर प्लांट लेके खेती बाड़ी करने की बहुत ही इच्छुक हो तो अलाउद्दीन के साथ ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हो। वीडियो देखने के लिए इंडिया का लाखों लाखों किसान भाइयों का मेरा तरफ से स्वागत है।